सब निकालो। अब क्या करेगा? इन सब को रखो, जाओ और लेके आओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अच्छा अब मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है।
सुनना। हाँ? अरे दीदी ऐसे क्यों है? चल पूछते। दीदी आज आपको क्या हुआ? आज आप ध्यान में बैठे ऋषि की तरह क्यों है? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। आपके बताने से क्या होगा? पिछले कुछ दिनों से मैं गौर कर रही हूँ, आप किसी बड़ी समस्या में फंसी है। दीदी आप हमें तो बता ही सकते हैं। तुम दोनों जो सोच रहे हो वैसे किसी भी समस्या में मैं नहीं हूँ। तो आप पहले जैसे क्यों नहीं है? कहाँ, मैं तो पहले जैसे ही हूँ। ओहो ऐसा हो ही नहीं सकता, आप हमें बताने के लिए इतना संकोच क्यों कर रही है? काबेरी ये सब बातें तुम दोनों को बताकर कुछ फायदा ही नहीं है। मतलब आप क्या कहना चाहती है? कि हम दोनों आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते? ठीक है मत बताइए, चल काबेरी। हाँ अरे रुको तो, तुम दोनों भी ना इस तरह से क्यों गुस्सा हो रहे हो? फिर बताइए क्या हुआ है आपको? दीदी अब चुप मत भी रहो, बताओ ना। हाँ दीदी बता भी दो। पिछले बुधवार को मैं किसी पर्सनल काम से पलटन बाजार गई थी। बस से उतरकर मैं फुटपाथ से जा रही थी। उसके बाद सोचा मैं कुछ खा लूं, इसीलिए एक होटल में गई। होटल में जाकर देखा दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तुम मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल। चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ेगी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है? इसे बहुत लाभ मिल रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। लड़का आपका जान पहचान का है क्या? यहाँ जान पहचान की बात नहीं है सिमी, इंसान इंसान होता है और तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मैंने तुम्हें इतनी सीरियस बात कही है, कितनी दुख भरी कहानी बता रही हूँ और तुम इस तरह से, इसीलिए मैं तुम दोनों को कुछ नहीं बताना चाहती थी। ओहो आप दूसरों के बारे में इतना चिंता क्यों करती है? हमारे बारे में सोचने वाला कौन है? इसीलिए आप अपने भविष्य अपने बारे में चिंता कीजिए, दूसरों के बारे में चिंता करके समय बर्बाद मत कीजिए। सुन सिमी, मनुष्य का अपने लिए या सिर्फ अपने जीवन के लिए शिक्षा ग्रहण करना गलत है। उस ज्ञान की ज्योति से दूसरों के जीवन में शिक्षा देना ही वास्तविक शिक्षा कहलाती है। उस छोटे लड़के के जीवन के इस कहानी को तू जरा गंभीरता से सोच कर देख। मेरे तेरे जैसे न जाने कितने ग्राहक जाते हैं उस होटल में जाकर चाय मिठाई खाते हैं और चले आते हैं, लेकिन क्या किसी ने भी उस छोटे लड़के के बारे में कभी सोचा है? न जाने कितने छोटे छोटे बच्चे बाल श्रमिक के तौर पर काम कर रहे हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या किसी ने एक बार भी उनके बचपन के बारे में कभी सोचा है? केवल ग्राहकों को चाय मिठाई देना, बर्तन धोना,
क्या इसी तरह से उनका सुनहरा बचपन बीत जाएगा? क्या यही चाहते हैं वो अपने जीवन से? उनके भी कुछ ख्वाहिशें होंगे, उनके भी कुछ सपने होंगे, लेकिन तुझे क्या लगता है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या यही चाहते हैं वो अपने जीवन से? एक्चुअली हम लोग अपने विलासी जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन लोगों के बारे में सोचना ही भूल गए हैं। हम लोग इंसानियत ही भूल गए हैं। हमारी अनुभव शक्ति पंगु हो चुकी है। लेकिन मैं, मेरा मन ये सब सहन नहीं कर सकते हैं। मैं लड़ूंगी, न्याय दिलाऊंगी। पता नहीं कितनी आगे तक मैं जा सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैं ये कोशिश जरूर करूंगी। आपकी बातें सुनकर मुझे पिताजी की याद आ गई। आपकी बातों ने सच में मेरा मन बदल दिया है। पिताजी भी बिल्कुल आप ही की तरह बातें करते थे। हम भी अपने पिताजी की तरह बनने की कोशिश करेंगे। हम सभी व्यक्ति केंद्रित हो गए हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके क्षेत्र में मैं आपकी सहायता जरूर करूंगी। सिमी? हाँ हाँ दीदी, मैं भी आपके साथ हूँ। हम तीनों मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। तो ठीक है, तो आज से हम तीनों की ये जंग शुरू। बोलिए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, किससे मिलना था आपको? सर से मिलना था। सर नहीं है क्या? वो तो अभी नहीं है। ठीक है, आइए 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 आइए, बैठिए। थैंक यू। कहाँ से आई है आप? एक्चुअली मेरा घर तो गांव में है, लेकिन मैं यही शहर में गणेशगुड़ी में रहती हूँ। ओह, उनके साथ आपको कुछ काम था क्या? जी हाँ। एक मिनट, मेरा फोन बज रहा है, मैं फोन ले लेती हूँ। हेलो। हाँ हाँ हाँ, आपसे मिलने कोई आया है? हाँ हाँ ठीक है, मैं उनको बता दूंगी। उन्होंने फोन किया था, मैंने आपके बारे में बताया। आपका नाम मरमी है ना? हाँ जी। उनको आने में थोड़ा देर होगा, इसलिए आपका डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में दे जाने के लिए बोला है। ठीक है, रुकिए। ये डॉक्यूमेंट्स आप सर को दे दीजिएगा। अच्छा अच्छा मैम, मैं अभी चलती हूँ। नहीं नहीं रुकिए, चाय तो पी के जाइए। नहीं नहीं, बैठिए बैठिए। निहारिका निहारिका निहारिका, आती हूँ दीदी। कितनी बार, हाँ कितना बार कहना पड़ेगा तुझको? अकल नहीं है क्या? कितनी बार गलती करेगा? हाँ बता। रोज रोज बोलना पड़ता, बाप का संपत्ति समझती है क्या? दीदी मुझे मत मारो दीदी। अच्छे अच्छे से काम करूंगी दीदी, लेकिन मुझे मत मारो। नहीं मारो ना, नहीं मारो तुमको। जाओ यहाँ से, जाओ फिर से चाय बना के लाओ। हेलो। हाँ मैं लता बोल रही हूँ। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं मुझे देर नहीं होगा, मैं रेडी ही हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ आप जरा बैठिए, मैं थोड़ा बाहर से आती हूँ, कुछ काम है। तो फिर मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं आप बैठो, आप चाय पी के ही जाओ। ठीक है, मैं चलती हूँ। इस सभ्य समाज में भी ऐसे बेरहम लोग रहते हैं, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। जी जी, बेचारे पर मुझे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई।
आप किसी बीमारी से परेशान हैं, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये लीजिए दीदी। जरा रुको, जरा यहाँ बैठो। नहीं नहीं, इधर आओ। बैठो यहाँ। क्या नाम है तुम्हारा? निहारिका तालुकदार। घर कहाँ पे है तुम्हारा? बेलतोला गांव। बेलतोला गांव? किसकी बेटी हो तुम? क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का? उपेन तालुकदार। तुम्हें तो यहाँ पे बहुत तकलीफें हो रही होंगी ना? दीदी, अब मैं मारपीट और गाली गलौज की आदी हो चुकी हूँ। निहारिका, क्या तुम्हें खेलने का मन नहीं करता, पढ़ने का मन नहीं करता? मन करता है दीदी, और जब मैं घर पे थी, स्कूल जाने के नाम पे भी पिताजी मुझे मारते थे। निहारिका, मत रो निहारिका। अच्छा ये बताओ, तुम्हें गुवाहाटी कौन लाया? निहारिका, उस दिन जब मैं स्कूल जा रही थी, तो मेरे पिताजी ने मुझे घसीट के ले आया और बहुत पीटा। रोते रोते उस दिन मैं बरामदे में ही सो गई। अचानक जब उठा तो देखा कि सड़क में से एक गाड़ी रुका और बाहर से मेरे पिताजी और यहाँ जो मैं अब रह रही हूँ, यहाँ के मालिक गाड़ी से उतरे। और उसके बाद उसके बाद क्या हुआ? मुझे यहाँ ले आए, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बहुत रोई। दरअसल दीदी, मेरी लड़की के रूप में जन्म लेना ही बहुत बड़ी गलती थी। इस वजह से मेरे पिताजी भी मुझे प्यार नहीं करते हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ से ले जाने का व्यवस्था मैं करूँगी। सच दीदी? हाँ निहारिका। चलते, तुम लोग कहीं जा रहे हो? हाँ हम लोग जा रहे हैं। दीदी, आप उस दिन जिस होटल में गई थी, उस होटल का नाम क्या था? होटल? क्यों? मैं आज वहाँ जाऊंगी, उसके बाद मैं पूरी जानकारी लेके आऊंगी। उसका घर कहाँ है, घर में कौन कौन है, कौन उसे यहाँ पे लेके आया था, सब कुछ पता करूंगी, उसी के मुँह से सुनूंगी। उस होटल का नाम क्या बताया था आपने? रजत होटल। और आपने उस लड़की का नाम क्या बताया था? निहारिका। बेचारी कितनी अभागी है, हमें उसे किसी भी तरह बचाना होगा। अब हम चलते हैं दीदी, हमारे लिए खाना नहीं बनाने से भी होगा, हमें आज थोड़ी सी देर होगी। ठीक है फिर, तुम दोनों जाओ, लेकिन सुनो एक बात का तुम दोनों ही ध्यान रखना, काम इस तरह से करना कि उसके मालिक को बिल्कुल खबर ना हो, ठीक है? ठीक है। ये
ये लो। और चाहिए? हाँ दीदी, ठीक है होगा। सुबह तुमने क्या खाया था? कुछ नहीं खाया दीदी। कुछ नहीं खाया? क्या तुम्हें भूख नहीं लगती? मालिक की दर्द दपट में भूख प्यास सब भूल जाता हो दीदी। गुवाहाटी आए हुए तुम्हें कितने दिन हुए हैं? एक साल हो गया दीदी। यहाँ तुम क्या काम करते हो? टूटा फूटा हुआ लोहा, टीन, प्लास्टिक, ये सब ढूंढता हूँ और सब मालिक के पास जमा करता हूँ। तुम ये सब काम करते हो? तुम्हें वो कितने पैसे देते हैं? महीने में 1,000 रुपया देते हैं। अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ पे है? बेलटोला गांव में है। बेलटोला गांव? पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय हरिकुमार तालुकदार है। बचपन में ही पिताजी का देहांत हो गया। माँ ने इधर उधर काम करके हमारी परवरिश की है और अब माँ भी बीमार है। मेरी दीदी माँ की देखभाल कर रही है। दीदी, गरीबों का दुख कब खत्म होगा? लाचार होकर मैं काम ढूंढकर यही निकल आया। कई लोगों की मार भी खाए। दीदी, मेरा नाम नीतुल है, मैं चलता हूँ, नहीं तो मालिक डांटेंगे। मालिक को गाली देने दो, बोल देना कल से तुम काम नहीं करोगे। फिर मैं माँ और बहन का देखभाल कैसे करूँगा? मर जाने दो उन्हें। दीदी, नीतुल, आज से तू वहाँ पे काम नहीं करेगा। मैं तुझे वहाँ पे काम करने नहीं दूंगी। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं और मेरी माँ? तू एकदम चुप, इसके बारे में तुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तू वहाँ पे बस काम नहीं करेगा तो नहीं करेगा। क्या हुआ है? कहा ना मैंने, कुछ नहीं हुआ है। बताइए ना दीदी, आपको ऐसे रोते हुए देख के हमें अच्छा नहीं लग रहा है। दीदी, क्या हुआ? तुम दोनों के जाने के बाद यहाँ पे पता है वो नीतुल लड़का कहाँ का है? मेरे गांव का है वो। और वो इस तरह से, इस हालत में, ये सब उसे सहन नहीं होता है। दीदी, दुख तो होगा ही दीदी, लेकिन रोने से हम क्या परिवर्तन ला सकते हैं? मैंने उस होटल के लड़के से पूछा तो उसने अपना घर बेलतोला गांव ही बताया। इससे सहज ही अनुमान होता है कि आपका गांव कितना पिछड़ा हुआ है। मैं आपसे वादा करती हूँ दीदी, आपके गांव की छवि बदलने के लिए मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। सिमी, हम कनकलता के देश के निवासी हैं, मूला गाभोर के देश के निवासी हैं, इसीलिए हमें ये काम करना ही होगा। हम अपने देश, अपने गांव के विकास के लिए कष्ट जरूर करेंगे दीदी। हाँ दीदी, हम आपके साथ हैं। क्या समझेंगे समाज क्या है, गांव क्या है? आप ये सब कैसे समझेंगे भैया? आप तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। किस वजह से हमारे गांव के बच्चे शहर में जाकर दूसरों के घर में काम कर रहे हैं? बिमला चाची का बेटा नीतू शहर में जाकर लोहा, टीना, प्लास्टिक, ये सब बतोड़कर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। क्या इसके बारे में कभी भी आपने जानकारी ली है? हमने उसे भेजकर बहुत गलती कर दी। उसे भेजकर अच्छा नहीं किया। हमें माफ कर दो मम्मी।